YouTube चैनल आज इस वीडियो में एक खास इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर हम क्रिप्टो किंग सैम बैंकमैन की बात करेंगे, जिनको अभी हाल ही में 25 साल की जेल हुई है और ये क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में पकड़े गए हैं। बीबीसी न्यूज ने इसको कवर किया है। तो ये है सैम बैंकमैन और इस शख्स ने क्या किया है, एक पूरी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चला कर। देखिए, अभी हम अगर बात करें बन इकोसिस्टम की, तो बन इकोसिस्टम में बात चल रही है, ये पूरा मैं देखिए डिटेल में बता देता हूँ आपको। बन इकोसिस्टम में बात चल रही है कि इसको एक्सचेंज पर किस तरीके से लेकर आए, कैसे हम इस एक्सचेंज को यूज करेंगे। तो यहाँ पर मेन लड़ाई जो है वो एक्सचेंज की है। अब जो किसी के पास अगर एक्सचेंज ऑलरेडी है, जैसे ये FTX एक्सचेंज थी, FTX.com, ये तो दुनिया की बड़ी एक्सचेंज थी, US बेस्ड एक्सचेंज थी। अब US बेस्ड एक्सचेंज पे भी एक बंदा फ्रॉड कर सकता है, तो आप ये मानकर चलिए कि कितनी बड़ी लोगों की रहती है सिस्टमेटिक तरीके फ्रॉड करने के। तो इन्होंने किस तरीके से फ्रॉड किया था वो भी आज हम यहाँ पर देखेंगे, और BBC.com पर जो ये न्यूज पब्लिश हुई है इसको भी देखेंगे। तो एक्सचेंज अभी फ़िलहाल ओपन नहीं हो रही है, FTX एक्सचेंज, और ये कहीं ना कहीं इससे हुआ था क्रिप्टो डाउन। अब देखिए, आज की डेट में इसको यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं न्यूज को, इसका एक रीज़न ये है कि अभी फ़िलहाल BTC डाउन हो चुका है दोबारा से। क्यों? क्योंकि सैम बैंकमैन को 25 ईयर्स की जेल हो चुकी है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इन्होंने क्या किया था, सैम बैंकमैन ने, इस शख्स ने क्या किया, देखिए जैसा कि यहाँ पर है, सैम बैंकमैन फ्राइड को फाउंडर ऑफ द फेल्ड क्रिप्टो एक्सचेंज FTX हैज़ बीन सेंटेंस टू 25 ईयर्स इन प्रिजन फॉर डिफ्रॉडिंग कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर ऑफ हिज नाउ बैंकक्रप्ट फर्म। तो ये फर्म इनकी बैंकक्रप्ट हो गई है, इसने फ्रॉड किया है कस्टमर्स के साथ और इन्वेस्टर्स के साथ। द रूलिंग सीमेंट ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द फॉर्मर बिलियनियर, ये बिलियनियर था, अब आप देखिए बिलियनियर था, हु इमर्ज एज ए हाई प्रोफाइल चैंपियन ऑफ क्रिप्टो बिफोर हिज फर्म ड्रामेटिकली कोलैप्स इन 2022। इसकी फर्म जो है, इसकी एक्सचेंज होती 2022 में कोलैप्स कर गई थी। तो देखिए, जैसा ए मैसेज फ्रॉम हिज पेरेंट्स शेयर टू BBC बाई रिप्रेजेंटिंग बैंकमैन फ्राइड सेड, वी आर ब्रेड हार्ट ब्रोकन एंड विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर अवर सन। माता पिता कह रहे हैं कि भाई हम अपने बेटे के लिए लड़ते रहेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर मेन बात बता देता हूँ कि FTX में आखिर हुआ क्या है। तो FTX में क्या होता है, देखिए हर एक एक्सचेंज पर, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रहती हैं, वहाँ पर कस्टमर्स के अकाउंट रहते हैं। तो जैसे हम अगर बात करें WAZI बजीरेक्स एक्सचेंज की, या फिर बाइनेंस एक्सचेंज की, या फिर जो दूसरी कॉइन बेस जैसी एक्सचेंज हैं, तो इन सभी एक्सचेंज पर जो कस्टमर्स हैं उनको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर अकाउंट बनाने पड़ते हैं। जैसे ये अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर वो अपनी लॉगिन डिटेल शेयर करते हैं और पासवर्ड डालते हैं, एंटर करते हैं अपने वैलेट का, यहाँ पर ये एक्सेस देते हैं, क्योंकि ये सभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में वैलेट को डायरेक्टली ओपन किया जा सकता है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती हैं, जैसे अगर हम डिसेंट्रलाइज वैलेट की भी बात करें, जैसे BuySwap.com एक एक्सचेंज है और ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज वैलेट है, तो इन पर जो कॉइन रखे जाएंगे वो वैलेट के अलग, मतलब सभी के सिक्योर वैलेट रहेंगे और वो ओपन नहीं होते जल्दी से, मतलब उसको कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्सचेंज थी FTX, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज होने की वजह से यहाँ पर जो लॉगिन होते हैं, जैसे बाइनेंस पर जो लॉगिन होते हैं, वो सब डिटेल बाइनेंस के CEO के पास रहती हैं, यानी कि एक्सचेंज के बैकएंड पर रहती है। जैसे आपको अगर BuzzyRex पर अकाउंट है, तो BuzzyRex आपके वैलेट को चेक कर सकता है, क्योंकि उसके पास ये अथॉरिटी है, वो लेयर पर वहाँ से हटी रहती है। तो सैम बैंकमैन ने क्या किया था, इन्होंने जो इसके कस्टमर्स थे, कस्टमर्स के वैलेट में जो फंड पड़ा था, कस्टमर्स के वैलेट के फंड को यूज किया था, इसने इन्वेस्ट किया अलग, और इसने जो है ट्रेड की। जैसे मान लो आपके वैलेट में अगर हम $100 की बात करें पड़े हैं, और बाकी 100 या 10-20 डॉलर के आपने क्या किया है, इन्वेस्ट कर रखा है या ट्रेड कर रहे हैं, तो सैम बैंकमैन क्या करता था, आपके वॉलेट में पड़े हुए ये जो $100 के फंड है, इसको यूज करता था, इस फंड को इसने यूज़ किया। इस फंड को यूज करने से ये जो है अलग अलग इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ये सब चीज़ें करता था, और इसी के चलते यहाँ पर इतना बड़ा जो क्लेस है वो हुआ है। और सैम बैंकमैन को फिलहाल अभी इसी जुर्म में 25 साल की जेल हो गई है, और ये बंदा जो है अभी लीगल चैलेंजेस फेस कर रहा है।